माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे गृह राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सरकार की विफलताओं की खबर न छापने और सरकार की योजनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए मीडिया को मजबूर करते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को कहा कि अगर विज्ञापन लेना है तो मेरी बात को छापो, अगर विज्ञापन लेना है तो जैसा मैं कहूं वैसा छापो। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी दबाव इस मीडिया पर बना रहे हैं। राजस्थान के सबसे मुख्य एवं सबसे पुराने दैनिक राष्ट्रदूत के प्रबंधक निदेशक श्री राकेश शर्मा ने वित्तीय को नुकसान पहुंचाकर स्वतंत्र पत्रकारिता को पूरी तरह खत्म करने के इस प्रयास के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जांच समिति का वक्तव्य मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि विज्ञापन जारी करने में समाचार पत्र राजदूत के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उपयुक्त मामले में हम इस मामले की अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं। उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में जांच समिति काउंसिल ने अनुशंसा करती है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री के उक्त कथन पर अपनी घोर अप्रसन्नता व्यक्त करें। काउंसिल यह भी देख सकती है कि भविष्य में इस तरह के बयानों से बचा जा सके, क्योंकि इसका प्रिंट मीडिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माननीय आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई कर मीडिया के बचा जा सके। धन्यवाद।